बाद और दुआएं भी मैं सुबह पढ़ूंगा, अभी आप मेरे साथ दुआते रहें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नाऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। हम तुझे उनके सीनों में रखते हैं, यानी तेरा रोब उनके सीनों में भर जाए, और हम उनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अज़ीम अल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ व रब्बिल अर्शिल करीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अज़मतों वाला और बड़ा ही बुर्दवार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श का रब है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो कि आसमान व ज़मीन और अर्श करीम का रब है। या मुकल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीने का, ए दिलों के फिरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल हुदा वत तक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तकवा, इफ़त और गिना मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन ज़वाले नेमतेका व तहव्वुल आफियत का फुजात निकमत का व जमीय सुख्ते का। ए अल्लाह, मैं तेरी नेमत के ज़ायल हो जाने, तेरी आफियत के हट जाने, तेरी अचानक सज़ा और उन सब बातों से पनाह मांगता हूँ जिनसे तू नाराज़ हो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, और अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम ज़रूर घाटा पाने वालों में होंगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदायतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिल टेढ़े ना कर देना बाद इसके जो तूने हमें हिदायत दी, और हमें अपने हजूर से रहमत अता करना, यकीनन तू बहुत अता करने वाला है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरत हसनतन व फ़िल आख़िरत हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। यानी यह हमारे रब, हमें दुनिया में भी कामयाबी अता कर और आखिरत में कामयाबी अता दे, और हमें आग के अज़ाब से बचा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की एक दुआ है कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तेरे एहसानों का शुक्र या अदा नहीं कर सकता, तू निहायत ही रहीम व करीम है, तेरे बेगायत मुझ पर एहसान है, मेरे गुनाह बख्शता मैं हलाक ना हो जाऊँ, मेरे दिल में अपनी खालिस मोहब्बत डाल ताकि मुझे ज़िंदगी हासिल हो, और मेरे पर्दपोशी फरमा, और मुझसे ऐसे अमल करा जिनसे तू राज़ी हो जाए। मैं तेरे वजह करीम के साथ इस बात से भी पनाह मांगता हूँ कि तेरा गज़ब मुझ पर वारिद हो। रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा, और दुनिया व आखरत की बलाओं से मुझे बचा, क्योंकि हर एक फजल व करम तेरे ही हाथ में है। आमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللہ تعالیٰ اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رمضان میں جو نئے کام ہم سے ہوئے یا جو تبدیلیاں ہم نے پیدا کی ان کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔